अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को, तो आप मतलब कुछ देर के लिए हंसने लगेंगे। हंसेंगे क्यों? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखिए, तो आपको कुछ देर के लिए हंसी आएगी कि बिहार, बिहार बोर्ड तो छोड़िए, मीन्स जेई मेन जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये जेई मेन का क्वेश्चन है 2022 का, और ये जुलाई में एग्जाम हुई थी। इनका क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पूछा गया है टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर, अगर हो तो आपको फाइंड करना है डीएक्स बाई डी टी कब टी इज इक्वल टू फोर पर कितना होगा। तो मतलब कोई अगर देख रही है क्वेश्चन को तो पहले हंसेगा कि ये जे मेन वाले को हुआ क्या है। टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं टी माइनस फोर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टी माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स फ्री हो जाएगा। मीन्स अगर आप देखें तो आपको यहाँ से जो है एक्स का वैल्यू कितना मिल चुका है, आपको यहाँ से देखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिल चुका है, एक्स का वैल्यू आपको मिला है एक्स इजकल टू टी माइनस फोर का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा डीएक्स अपॉन डी टी, टी इक्वल टू फोर पर। तो पहले डीएक्स अपॉन डी टी करेंगे, कितना होगा टू इंटू टी माइनस फोर इंटू, अब टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा जीरो। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग को मिलेगा क्या डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, देखिए ये टू इंटू टी माइनस फोर ये मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, टी का वैल्यू कितना रखना है हम लोग को, फोर रखना, रखिए टू इंटू टी की जगह रखना फोर, और यहाँ माइनस में फोर, तो देखिए तो इसका आंसर कितना आ गया है डी एक्स अपॉन डी टी, टी इजकल टू फोर पर टू इंटू जीरो, फोर ऑफ फोर जाएगा जीरो, मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा जीरो। बस यही आंसर था और इसी में टिक करना था, देख लीजिए कितना सिंपल। तो यही क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं।